हेलो दोस्तों अगर आपको इस ट्रेंडिंग स्टेटस को बनाना है तो आपको सबसे पहले एलर्ट मोशन ऐप को डाउन ओपन कर लेना है आपको फिर आपको फ्रेंड्स प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स फिर आपको एक समय में आपको क्लिक कर देना है आपको एक प्रोजेक्ट फाइल आपको डाउनलोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है फिर आपको उस प्रोजेक्ट फाइल को आपको ओपन कर लेना है फ्रेंड्स फिर आपको सबसे नीचे आना है फिर आपको फर्स्ट लेयर पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स फिर आपको कलर एंड फिल का ऑप्शन मिलेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है फिर आपको उस आपको उस फोटो या उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है आप जिस पर स्टेटस बनाना चाहते हो ऐसा दोस्तों फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर लेना है थोड़ा सा आगे जाना है फिर, अगले फिर से आपको अगला लेयर मिलेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है फिर आपको उस पर फिर से आपको कलर एंड फिल का ऑप्शन मिलेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है ऐसे फिर से आपको फोटो को आपको सिलेक्ट करके आपको प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है फिर से आपको कलर एंड फिल पर टैप करना है फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको सेम फोटो का आपको एड कर लेना है दोस्तों ऐसे फिर से आपको अगले आपको थ्री लेयर मिलेगा आपको फर्स्ट लेयर पर सबसे नीचे वाले लेयर पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स फिर आपको एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना है फिर आपको फर्स्ट लेवर पर क्लिक कर देना है फिर आपको कलर एंड फिल का ऑप्शन मिलेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है फिर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है दोस्तों फिर आपको इसमें आपको तीन आपको फोटो सेम फोटो का आपको ऐड कर लेना है फिर आपको फोटो पर क्लिक करना है फिर आपको पे करना है ऐसे में फिर से आपको थोड़ा कर देना है फिर से आपको सेकंड वाले पर क्लिक कर देना है फिर से आपको ऐसे ही एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है सेम फिर से आपको सबसे नीचे वाले ईयर पर क्लिक कर देना है फिर से आपको कलर एंड फिल का ऑप्शन आप मिलेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है दोस्तों फिर से आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है ऐसे पहले फिर से आपको उसी आपको सेम फोटो का आपको एडिट कर लेना है फिर से आपको आना है फिर से आपको ऊपर वाले लेयर पर क्लिक कर देना है फिर से आपको सेम ऐसे ही एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है फिर से आपको फ़ोटो का आपको एडिट कर लेना है ऐसे दोस्तों फिर आपको इमेज को सिलेक्ट करके आपको प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है दोस्तों फिर से आपको बेकारा है फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको कलर एंड फिल का ऑप्शन मिलेगा आपको उस पर क्लिक कर देना दोस्तों फिर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स फिर आपको सेम फोटो आपको फिर से आपको ऐड कर लेना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है फिर से आपको कलर एंड फिल का ऑप्शन मिलेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों फिर से आपको स्टार पर क्लिक कर देना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको सेम फोटोग्राफ को ऐड कर लेना है फिर आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है ऐसे ही दोस्तों फिर से आपको सेम प्रोसेस रहेगा आपको कलर एंड फिल का ऑप्शन मिलेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है दोस्तों फिर से आपको स्टार पर क्लिक कर देना है ऐसे पेंड फिर से आपको सेम फोटोग्राफ को ऐड कर लेना है ऐसे पर फिर से आपको अगले लेर एंड लास्ट लेयर पर क्लिक कर देना है देन दोस्तों फिर से आप friends, आपको कलर एंड फिल ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है फिर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना दोस्तों फिर से आपको फ्रेंड्स फ़ोटो को आपको एड कर लेना दोस्तों ऐसे प्रेंट फिर आप फिर से आप फिर, से आप, फिर आपको, आपको वीडियो को आपको सेव कर लेना है